तो अपन ने पढ़ा था क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ चुके थे, अब बात कर रहे हैं क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट का जो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, समझिए ध्यान से, कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। क्या बोल रहा हूं मैं बेटा, ध्यान से समझिएगा, किस पे बोल रहा है वो, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन की बात कर रहा, ध्यान, कैटायन और एनायन। जैसे एग्जाम्पल समझो बेटा ना, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। मान लो आपने क्या लिया बेटा, NaCl लिया। क्या लिया? NaCl क्या एक सॉल्ट है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब इस सोडियम क्लोराइड का क्या करना है आपको, क्या बताना है, इक्विवेलेंट वेट बताना है। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे आप, देखो सबसे पहले इसको ब्रेक किया आपने, तो Na प्लस Cl माइनस। चलिए बेटा ध्यान से समझो, तो NaCl की अगर हम बात करें तो NaCl का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाले, अभी क्या बताया था, टोटल मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका क्या करें आप बेटा, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए आप। तो मॉलिक्यूलर जो वेट होता है इसका निकालना ऑलरेडी आपको आता है, कितना, 23 या किस 22 प्लस है ना, 22 नहीं बेटा 23 Cl। क्योंकि देखो आप लोग क्या करते हो, ट्रिक लगाते हो, है ना, वो ट्रिक हमें काम, मैंने आपको पहले भी बोला बेटा प्लीज 2 × Z, वो वाला गलत है, ठीक है, हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, वो एक्सेप्शन है। जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ वो ऐसी ट्रिक बताता हूँ जो हर जगह अप्लाई होती है। तो प्लीज आप 2 × Z वाला यूज नहीं करेंगे। 23 प्लस कितना बेटा, 35.5, तो ये हो जाएगा आपका 58.5। क्योंकि ट्रिक वो यूज करना चाहिए हर जगह यूज हो। तो इसका इक्विवेलेंट वेट आपका आ गया, तो क्या होगा, 58.5 डिवाइडेड बाई, क्या बोला बेटा, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। या तो कैटायन का लेंगे या फिर एनायन का लेंगे। चार्ज कितना आ रहा है, कैटायन का ले लीजिए 1, आंसर कितना हो गया आपका आ गया, ठीक है। और भी देखो ध्यान से, मान लीजिए हमने लिया एग्जांपल क्या बेटा, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का पहले क्या करो आप, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आया बेटा, सोडियम कितने 2, तो 2 × 23 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है इंटू 16, तो ये आपका 23 कितना हुआ, 56, ठीक है। इसके बाद आपका 32 प्लस 64, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा कितना आता बेटा, और ये आपका 46 होगा बेटा, ना ध्यान दो ये कितना आएगा, तो 46 आएगा, तो ये आपका 46 आ गया। अब इसको ऐड करो कितना आ रहा है, 46 और 4 कितना हो गया बेटा, 50 और ये 6 कितना, 110 कितना हो गया, 3 1142, ये आ रहा है बेटा 142। तो आप देखो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना, आपको इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, 142 अपॉन, अब देखो इसको ब्रेक करेंगे आप तो क्या होगा बेटा, 2 Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो टोटल चार्ज कितना है इस पर, देखो कैटायन पर 2 × 1, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है 2, तो आंसर कितना हो गया बेटा 2, तो 27 यानी कि 71 आंसर आ जाएगा बेटा। चलिए इसको नोट करो, और कोई डाउट आपके मन में आ रहा तो पूछो बेटा। ध्यान रखना मैं चार्ज कैसे ले रहा हूँ वो चीज आपको याद होनी चाहिए। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, नोट करो बेटा, और कोई भी डाउट आता है तो पूछो। सर आपने वो 2 चार्ज क्यों लिया, Na के ऊपर का क्यों नहीं, टोटल चार्ज क्या बोला बेटा, टोटल चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है, टोटल चार्ज की बात कर रहा। तो देखो टोटल चार्ज कितना होगा, एक तो प्लस तो सोडियम पे है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना यहाँ पर, 2Na प्लस दिस वन। इसी तरह से यहाँ पर देखो एनायन पे देख लो 2 माइनस है, क्योंकि इसके आगे कितना 1, तो 1 × 2 कितना हुआ 2, समझे ना। यहाँ पर भी देखो आप कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, टोटल चार्ज हो, क्योंकि देखो पूरा मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है। तो पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल कब होगा, जब इस पर 2 प्लस होगा, इस पर 2 माइनस होगा, तभी तो आपका न्यूट्रल होगा ना, अदरवाइज होगा ही नहीं, क्योंकि एक प्लस आप ले रहे हो, एक 2 माइनस ले रहे हो, तो एक बच जाएगा ना आपका। तो टोटल चार्ज लेना होगा बेटा, है ना, मल्टीप्लाई के साथ पूरा टोटल जो भी आपका होगा। अभी और एग्जांपल से समझाता हूँ मैं, और एग्जांपल लेता हूँ तो उससे और क्लियर होगा। मान लीजिए आपने लिया क्या बेटा, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है ना, ये आपका हो गया, ये आपका एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्ट है। जब आप इसे ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे बताइए, 2Al, ध्यान दीजिए 2Al3 प्लस, करेक्ट, प्लस 3SO4 2 माइनस। अब इसका सबसे पहले मान लीजिए इसका मॉलिक्यूलर वेट अपनी तरफ से मान लेता हूँ मैं कितना आ रहा है, मान लो मैंने कैपिटल एम मान लिया सपोज, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा बेटा इसका, क्या बताया था, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या बेटा, एन फैक्टर वैलेंसी, और वैलेंसी क्या है यहाँ पर, चार्ज ऑन कैटायन या फिर एनायन, तो एन फैक्टर लिख लेते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। बात एक ही, एन फैक्टर यहाँ पे क्या होता है सॉल्ट की, ये चीज। तो मॉलिक्यूलर वेट आपने क्या माना, एम माना,
तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, किसी एक पर चार्ज दे दोगे, इस पे लोगे कितना होगा बताइए प्लस, 3 × 2 ध्यान देना बेटा, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही लेना आपको, करेक्ट। यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 × 2 बराबर, समझे, तो ये आंसर आ गया आपका बेटा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक बेटा, आप समझ में आया कि नहीं आया? Yes. समझा ना बेटा, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं जो मर्जी आप, ठीक है, कोई और दूसरा एग्जांपल देखते थे, आप बोलो कौन सा एग्जांपल, वही एग्जांपल ले लेते हैं जो बताएंगे आप। बेरियम सल्फेट मान लो, सपोज ये ले लिया, ठीक है ना, बेरियम सल्फेट लिया, तो इसको ब्रेक करोगे कैसे आएगा बेटा, Ba2+ SO4 2-, तो एन फैक्टर कितना आ गया बेटा इसका, बोली किसी एक पर लेना है तो 2 आ गया, किसी पे भी ले लो आप, चाहे कैटायन पे ले लो या फिर एनायन पे ले लो, किसी पे भी आप ले लीजिएगा, ठीक है, 2 आ गया। अब इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट मान लीजिए इसका, मॉलिक्यूलर वेट हमने क्या माना, एफ, तो एम अपॉन कितना होगा बेटा, 2 हो गया, समझ में आया कि नहीं। अब ये निकालना पड़ेगा आपको, मैं अपनी तरफ से मान के चलता हूँ एम आ रहा है, करेक्ट, नोट करो बेटा जल्दी से, समझा कि नहीं। आयनिक कंपाउंड का निकलते हैं तब हम टोटल चार्ज नहीं लेते ना, नहीं नहीं बेटा, सिर्फ चार्ज लेते हैं, बिल्कुल चार्ज लेते हैं उस टाइम पर। देखो ओवर मिला के फॉर्मूला आपको क्या याद रखना बेटा, ये वाला याद रखना, आप चाहे किसी का भी हो, है ना, कैसे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या चीज, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ओवर मिला के एक ही फॉर्मूला यूज करना है, बट वो अलग अलग कंडीशन में हमने अलग अलग फॉर्मूले दिए हैं आपको, लेकिन एन फैक्टर अलग अलग होता है ना, जैसे इक्विवेलेंट सॉल्ट के लिए अलग हो गया, एसिड के लिए अलग हो गया, बेस के लिए अलग हो गया, आयनिक कंपाउंड के लिए अलग हो गया, इस तरह से। तो बस आपको आना क्या चाहिए, एन फैक्टर निकालना आना चाहिए, ठीक है, दिया जाएगा क्या, क्या बेटा ऐसे, समझा नहीं, कि सॉल्ट का निकालो या आयनिक कंपाउंड का निकालो, बोलेगा नहीं बेटा वो, आपको कंपाउंड दे देगा और आपसे कहेगा एन फैक्टर बताओ, सॉरी एन फैक्टर या फिर आपसे इक्विवेलेंट वेट, तो आपको पता होना चाहिए सर, आपको बस ये निकालना आना चाहिए, एन फैक्टर निकालना आना चाहिए कोई भी हो। हाँ बेटा बोलो, सोडियम एसिडेट का बताओ, सोडियम एसिटेट, ओके ठीक है, सोडियम एसिटेट का देख लेते हैं, सोडियम एसिटेट का देखो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CH3COONa, करेक्ट, ये आपका सोडियम एसिटेट होता है। अब इसे ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक करोगे बताइए, CH3COO- और क्या होगा बेटा, Na+, एक कैटाइन और ये एनायन, ठीक है। अब मान लो सपोज लेट अपनी तरफ से मान लेते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट आपने निकाला है वो कितना आ रहा है बेटा, कैपिटल एम आ रहा है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या, CH3COONa, दैट इज इक्वल टू क्या, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या बेटा, एन फैक्टर, फॉर्मूला एक ही है, ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूलर वेट कितना माना आपने, एम, एन फैक्टर कितना आएगा बताइए आप, चाहे कैटायन का ले लीजिए या फिर आप एनायन का ले लीजिएगा, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आंसर कितना होगा बेटा, एम, समझा। कोई भी एग्जाम्पल आप जो मर्जी आप वो एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी जो मर्जी है, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, समझो और एग्जांपल लेते हैं, समझिए ध्यान से, मान लो मैंने लिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ, आपसे कह रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या, CuSO4.5H2O, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो CuSO4.5H2O का आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना, तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो देखिए ध्यान से, या तो ये बोल सकता है या फिर क्या बोल सकता है, CuSO4, इसका भी बोल सकता है बेटा आपसे, करेक्ट। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब देखो क्या करना है कि एक्वस की बात कर रहा, तो या तो ये बोलेगा एक्वस या फिर इस तरह से, तो CuSO4 को पानी में आपने क्या किया बेटा, डिजोल्व किया, तो पानी में डिजोल्व करोगे तो कैसे ब्रेक होगा, Cu2+ SO4 2-, ये देखो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा इन सब के बारे में, है ना, तो आना चाहिए थोड़ा सा। अब जब आपने ये ब्रेक किया तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना होगा बेटा, वैलेंस फैक्टर बोले या फिर हम एन फैक्टर, सबसे पहले वैलेंस फैक्टर बोलो कितना, 2, देख रहे हो, किसी एक का ले लो, या कैटायन का ले लीजिए या फिर आप एनायन का, जिसकी मर्जी आपकी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट निकालो बेटा, क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या, CuSO4+ 5 × 5 × ध्यान दीजिए 5 × मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या बेटा, H2O अपॉन क्या हो जाएगा, एन फैक्टर कितना बेटा, 2। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आंसर, ठीक है, जो भी आंसर आता है वो आप नोट कर लीजिएगा।
इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, मतलब कोई भी आपका एग्जांपल हो कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लीजिए, सपोज मान लो आपसे कहा Fe SO4, इसका आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इसे एन फैक्टर बताइएगा। अब एन फैक्टर कैसे निकालोगे बेटा, इसको ब्रेक कर दो आप, Fe2+ में जाएगा और सल्फेट आपको पता ही कितना होता है -2, तो -2 और 2+0 हो गया यानी न्यूट्रल हो गया, तो एन फैक्टर कितना हो गया बेटा इसका, 2 हो गया, करेक्ट। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या, FeSO4 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, नोट करो। और कोई डाउट है पूछो बेटा, किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिएगा। यदि उसे लगता है कि मैं बोलने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप मैसेज भी कर सकते हैं बेटा, बट डाउट जो भी हो उसे पूछिए आप। और कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। ओके चलो, अब देखो सपोज, अब मान लो एक एग्जांपल देता हूँ आप लोग करिएगा। मान लीजिए मैंने आपसे कहा Fe2C2O4 का होल थ्राइस, ये मान लो क्वेश्चन दिया बेटा, ठीक है ना। इसका अपन को क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, यानी एन फैक्टर बताना है आपको और क्या बताना है, इक्विवेलेंट वेट। चलिए सॉल्व कीजिए बेटा, कितना आता है इक्विवेलेंट वेट बेटा, कितना, 2। गलत आ रहा बेटा, थोड़ा ध्यान दो, 2 आपने कैसे निकाला मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा, गलत आ रहा है। देखो मैं आपको फिर एंट दे रहा हूँ बेटा, AXBY, ध्यान दे दो AXBY, इसको कैसे ब्रेक करते हैं आप, XA Y+ Y B X-, इस तरह से करते हैं ना, तो इस कंसेप्ट का यूज कीजिए बेटा आप, है ना। एन फैक्टर बेटा 6 आ रहा है बेटा ना, देखो इसको देखो ध्यान से, Fe2P2O4 का होल थ्राइस क्या करेंगे, इसे हम ब्रेक करेंगे बेटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 Fe3+ + 3 C2O4 2-, तो इस पर टोटल चार्ज कितना आया बेटा, 6। इस पर भी टोटल चार्ज कितना आ रहा है, 6, तो इसका मतलब एन फैक्टर कितना हो गया बेटा, बोलिए 6 हुआ ना, समझा कि नहीं बेटा कंसेप्ट, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट वेट आप निकाल लीजिएगा, तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या बेटा, Fe2C2O4 का होल थ्राइस अपॉन एन फैक्टर कितना बेटा, 6, ये आंसर आ जाएगा आपका। कर लोगे बेटा, मतलब ज्यादा नहीं, कम से कम इतने आना चाहिए आपको, रिडॉक्स में जब पढ़ाऊंगा तो इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस कराऊंगा एडवांस लेवल के, ठीक है। कोई डाउट बेटा इसमें, पूछो किसी को डाउट है तो, आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं पूछिएगा, यदि आता तो आप पढ़ते क्यों, समझ रहे हो ना, नहीं आता तभी तो पढ़ रहे हैं ना, और मैं सिखा रहा हूँ आपको, तो आप पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलो अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, आपको बताना है फाइंड द इक्विवेलेंट वेट एंड एन फैक्टर फॉर द फॉलोइंग, जो भी आपको दे रहे हैं उनके लिए आपको एन फैक्टर बताना है और क्या बताना है, इक्विवेलेंट वेट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे पहला लिया मैंने H3PO4, दूसरा लिया मैंने Na2SO4। अब बेटा देख कोई प्रॉब्लम, H3BO3 4 KCl H3PO2 6 है आपका H2SO4, ठीक है बेटा। इसका आपको क्या बताना है, एन फैक्टर बताना है और इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट हम सभी का वेट कितना मान लेंगे अपनी तरफ से, m मान के चलेंगे, सभी का अपना अपना वेट है जो m मानेंगे, बस हमें n फैक्टर बता दीजिएगा, और इक्विवेलेंट वेट तो आप निकाल ही लेंगे जब n फैक्टर आपको पता चल जाएगा। तो सभी का n फैक्टर बताइए बेटा प्लीज, फर्स्ट का 3 सर, फर्स्ट का 3, ओके गुड, फर्स्ट का 3 ये करेक्ट है बेटा, थर्ड का 1, वेरी गुड बेटा, करेक्ट। फोर्थ का वन, ओके गुड सर, फिफ्थ का भी वन, वेरी गुड बेटा, सेकंड का टू, वेरी गुड,
सिक्स का भी। सिक्स का कितना बेटा? टू टू टू। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट किया। अब एक को वाले वेट तो आसानी से निकाल लोगे। मान लो इसका वेट कितना बेटा? एम सर सर। हाँ बेटा बोलो सर। ये फर्स्ट और थर्ड का वन वन कैसे है समझाने सर? फर्स्ट का वन नहीं, फर्स्ट का थ्री और सिक्स। इसको बताओ। हाँ वो थ्री। अच्छा कल की क्लास में आप लोग थे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ना बेटा। कल की क्लास में थे क्या आप? क्योंकि आप अब देखो, मैंने आपको कल बताया था कि आप गलती करेंगे, वही गलतियां हो रही हैं। मैंने आपको कल भी बोला था, आज भी बोला, और ये चीज सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। कल की लास्ट क्लास में भी मैंने ये चीज बताई थी आपको। मॉलिक्यूलर बेटा को देखो बेटा, H3PO4 सारी चीजें इसी पे, मैंने पूरा लेक्चर कल आपको इसी पे लिया था, ऐसे तो बेस पे लिया था आपको याद हो तो। और उसके बाद भी आप गलती कर रहे हो, प्लीज। मैंने आपको बोला भी था ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इन्हें गलती नहीं करना है। तो कितने एच रिप्लेस हो सकते हैं यहाँ से? तीन। तो एन फैक्टर कितना हो गया इसका? थ्री हो गया, समझे ना? ये बताया भी था आपको। और H3PO2 का भी देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर से भी बताया था, वैसे भी आपको बताया था कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको लर्न करना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है ना? तो इसको देखो यहाँ से क्या करेंगे, वन हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, इधर से आप नहीं रिमूव कर सकते हैं। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया बेटा? वन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला भी था कि आप गलती करेंगे, बार बार गलती करेंगे, और देखो गलती आज भी कर दी आपने, ठीक है? चलो नोट करो इसको, फिर मैं बताता हूँ एक बार, फिर दोबारा से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बोला था क्या कि हाइड्रोजन एस ऑक्सी एसिड में से वही रिप्लेस कर सकते हैं विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद क्या? ग्रुप नंबर 16th और 17th एलिमेंट, समझे ना? ये बताया था मैंने आपको। चलो एक बार देख लो दोबारा से, मैं बताता हूँ बेटा। देखो जो जो इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बताया था, H3PO4, H3PO3, इन्हीं में गलतियां होती बेटा, H3PO2। इसका स्ट्रक्चर देखो बेटा, फिर मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर भी आना चाहिए आपको, और इसका एन फैक्टर भी आना चाहिए इस तरह से। सबसे पहले बताया, देखो डबल बॉन्ड बना दो, यहाँ पर एक OH लगा दो, फिर ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए, हाइड्रोजन बचे, ठीक है, फॉस्फोरस की बैलेंसी कंप्लीट। इधर देखो AOH, इधर भी आपका OH, बैलेंसी हो गई, एक बची हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा हो गया बेटा, एन फैक्टर कितना हुआ इसका? तीन। क्यों? एक यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, एक यहाँ से और एक इधर से, ठीक है? इधर देखो एन फैक्टर कितना हुआ बेटा? टू, वन एंड टू। ये आपका ग्रुप नंबर किससे? 15 से कनेक्टेड है, फॉस्फोरस से, 16 और 17 से नहीं है, तो एन फैक्टर कितना होगा? टू। यहाँ पर एन फैक्टर कितना होगा बेटा? वन। मैंने रिप्लेसमेंट बोले, ये नहीं बोला कि कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं क्या बेटा? ट्राइबेसिक, ट्राइबेसिक एसिड बोलते हैं इसको। यहाँ पर बेटा क्या बोलेंगे इसको? डाइबेसिक, डाइबेसिक एसिड। दिस वन मोनोबेसिक, मोनोबेसिक एसिड। अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या बेटा? H3PO4 डिवाइडेड बाई 3। इसका इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या? H3PO3 अपॉन 2। इसका इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H3PO2। इनके मैंने नाम भी बताए थे आपको, याद हो तो कल, ठीक है बेटा? इस तरह से। और आपको बताया था H3BO3 भी बता दिया था आपको, बोरिक एसिड भी। ये आपका मोनोबेसिक एसिड होता है, मोनोबेसिक एसिड क्यों होता है? क्योंकि क्या करता है ये H3BO3, करेक्ट बेटा? ये क्या करता है, वन OH आयन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, बताया था मैंने आपको। तो ये बना लेगा BOH का होल 4-, करेक्ट? इस तरह से। तो एक OH आयन को रिप्लेस करता है। मैंने कल आपको डेफिनेशन बताई, प्लीज कल का लेक्चर आप लोग पढ़िएगा, मैं आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा टाइम नहीं मिला बेटा कल, मैं बहुत जल्दी डालूंगा। तो एन फैक्टर कितना हो गया इसका? वन हो गया, समझा सारा बेटा? प्लीज ये चारों जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल दिए मैंने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कभी भूलना नहीं प्लीज बेटा, आज के बाद भूलना नहीं आप, ठीक है ना? आप इनको रिवाइज जरूर करें, पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट कर लो इसको आज भी। चलिए बेटा, अब देखो ये फॉर्मूला आपका हो गया था। नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें बेटा, क्या जी? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिडिक सॉल्ट। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? एसिडिक सॉल्ट। तो सॉल्ट आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ एसिडिक सॉल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिडिक सॉल्ट कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या चाहिए बेटा? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। देखो ध्यान से, एन फैक्टर क्या चाहिए यहाँ पर? जो एन फैक्टर लिया जा रहा है वो क्या चाहिए? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, मतलब जो भी आपका एसिडिक सॉल्ट होगा
वहां से कितने रिप्लेस हो सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे आप दिमाग के रखेंगे, क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए एक और फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ये हम कहां पे यूज करेंगे बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन में यूज करेंगे, ठीक है। आपने रिडॉक्स 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, या फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट बाई वन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये इस पर भी एक क्वेश्चन आपका नीट में इस बार पूछा गया, बहुत आसान। तो इस चीज का यूज हम कहां करेंगे बेटा, रिडॉक्स में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो एक स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, समझिएगा उनसे ध्यान से, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इस ये जो आपने पढ़ा सिक्स वाला, इसके बारे में हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, और जो सेवंथ वाला है ये हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ट्रिक भी बताऊंगा आपको। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, लिया बेटा, ओके ले लिया। अब देखो एग्जांपल समझिए बेटा ना, एग्जांपल समझते हैं। जो हमने नेक्स्ट फॉर्मूला बताया था आपको सिक्स वाला, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या, एसिडिक सॉल्ट, समझिए बेटा। जैसे मान लो सपोज आपसे एसिडिक सॉल्ट के बारे में, ठीक है, रिडॉक्स वाला बाद में बात करेंगे बेटा, समझो बेटा ध्यान से, क्या कह रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4, समझ ना बेटा ध्यान से, ठीक है बेटा। प्लीज माइक को थोड़ा अभी बंद कर लीजिएगा, है ना, जब भी पूछे तो बताना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थोड़ा सा आवाज आ रही है इसलिए। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4, अब देखो बस इसने क्या बोला, H3PO4 का हमें क्या बताना बेटा, इक्विवेलेंट वेट पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब आपको किसका पूछा है, H3PO4 का वेट पूछा, तो आपको सब चीज पता है ना, तो स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, समझ रहे ना। तो आप देखो कैसे करना है, समझना ध्यान से, जब भी आपसे कुछ भी नहीं बोला, यहाँ पे क्या कुछ बोला आपसे, कुछ नहीं बोला है, जब कुछ भी नहीं बोलता तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे बेटा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या बेटा, एन फैक्टर, करेक्ट। तो अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 98 आएगा बेटा, तो 98 डिवाइडेड बाई एन फैक्टर कितना बेटा, 3। तो जो भी आंसर आता है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक आपका 32.66 आ जाएगा, करेक्ट। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया बेटा इसका। अब देखो जैसे मान लो मैंने क्या बताया, एसिडिक की बात की, तो ध्यान से समझना बेटा। अब मान लो रिएक्शन की बात करें कि H3PO4 प्लस क्या चाहिए बेटा, NaOH, ये एसिड हो गया, ये क्या हो गया बेटा, बेस हो गया, करेक्ट। एसिड बेस रिएक्शन हो गया, क्या बनाएगा बेटा, सॉल्ट बनाएगा। अब जब सॉल्ट बनाता है तो क्या बनाएगा, Na, ध्यान दीजिएगा, H2PO4 प्लस H2O, एक रिएक्शन ये हो गई बेटा, ठीक है। दूसरी रिएक्शन देखो क्या हो सकती है, H3PO4 प्लस 2NaOH, क्या बनाएगा बेटा, Na2HPO4 प्लस 2H2O। थर्ड रिएक्शन क्या हो सकती है बेटा, H3PO4 प्लस 3NaOH। यदि रिएक्शन देके आपसे इक्विवेलेंट वेट पूछेगा उस टाइम पे बात कर रहा हूं, एसिडिक सॉल्ट के बारे में, Na3PO4 क्या चाहिए बेटा, Na3PO4 प्लस 3H2O, करेक्ट। पहले तो आप ये बताइए इस रिएक्शन में कोई डाउट। अब देखो ध्यान से, हाइड्रोजन की बात करें तो यहां पर देखो 3 हाइड्रोजन है, इधर भी आपके क्या बेटा 3 हाइड्रोजन है, इधर भी कितना है 3 हाइड्रोजन, तो सभी में देख रहे हो आप 3 हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, ठीक है, कोई डाउट बेटा इसमें, 3 हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंट है। अब देखो यहां पे कितना बेटा 1, इधर कितना आ रहा है आपका 2, इधर कितना आ रहा है बेटा 3 NaOH, करेक्ट। यहां पे देखो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इधर इधर आपका 1 हाइड्रोजन है, और इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब 0 हाइड्रोजन हो रहा है। तो अभी आपको क्या बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे आप, बैलेंस फैक्टर निकालेंगे बेटा, बैलेंस फैक्टर बोलो, इसका भी बैलेंस फैक्टर निकालना है आपको, और इधर भी क्या करना है आपको, बैलेंस फैक्टर। किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, एसिडिक सॉल्ट के लिए, यानी दिस वन, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे बैलेंस फैक्टर की बात करोगे तो अब आप देखिएगा यहाँ पर कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए बेटा, H3PO4 से एक ही रिप्लेस हुआ बेटा,
देखो इधर थ्री है, इधर टू है, कितना हुआ वन। इधर देखो यहाँ पे कितने रिप्लेस हुए, अब बताइए दो दो रिप्लेस हुए ना बेटा। देखो यहाँ पे थ्री थे, यहाँ कितना वन, तो दो रिप्लेस हो गया, थ्री माइनस वन कितना हुआ बेटा टू, तो एन फैक्टर कितना होगा टू। इधर आपका कितना हुआ बेटा, तीन के तीनों रिप्लेस हो गए, तो इसका मतलब एन फैक्टर कितना हो गया थ्री। समझ में आया कि नहीं बेटा? अभी बताया था आपको कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। तो यहाँ से कितने रिप्लेस हुए देखो, वन रिप्लेस हुआ, इधर आपके टू रिप्लेस हुए, इधर आपके तीन के तीनों ही रिप्लेस हो गए। अब इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है बेटा। अब मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है आपका, पता है आपकी आपको H3PO4 का कितना 98, करेक्ट। तो 98 डिवाइडेड बाय कितना बेटा 1, यहाँ पे क्या होगा इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 98, मॉलिक्यूलर वेट तो सेम ही रहेगा बेटा, डिवाइडेड बाय क्या 2, और इधर आपका इक्विवेलेंट वेट क्या रहेगा 98 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, रिएक्शन देखे आपसे पूछता है तो फिर आपको इस तरह से, यदि ये रिएक्शन देता है तो आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये रिएक्शन देता है तो ये करेंगे, और ये रिएक्शन करता है देन इस तरह से करेंगे। लेकिन जब कुछ भी नहीं बोलता है तो बेटा आपका आंसर कितना रहेगा दिस वन। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इफ नथिंग इज मेंशन यानी अबाउट द रिएक्शन, जब रिएक्शन के बारे में कुछ भी नहीं मेंशन करेगा देन टेक दैट रिएक्शन जिसमें क्या होगा हाइड्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, मतलब जब कुछ रिएक्शन के बारे में नहीं बोलता है तो फिर आप ये वाला आंसर लेंगे, और जब रिएक्शन के बारे में बोलता है तो फिर आप इस तरह से यूज करेंगे, ध्यान रखना होगा ये आपको बेटा, ठीक है। देखो एक बार जल्दी से, कोई डाउट हो तो पूछो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रिएक्शन नहीं देता है तो आपका आंसर बेटा क्या है दिस वन, और रिएक्शन देके पूछता है तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। देख लो एक बार बेटा, नोट करो इसको, वैसे चांसेस बहुत कम होते हैं इस तरह से पूछने का, लेकिन मान लो कभी क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपको बताना पड़ेगा बेटा, क्योंकि पेपर बनाने के टाइम पे पता नहीं रहता बेटा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। डन, ओके बेटा आकाश, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, समझ में आ गया आपको। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा, है ना, क्योंकि ध्यान रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, एसिडिक सॉल्ट के लिए बताया बेटा। और एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा आपको पता है, एसिड प्लस बेस जब आपका क्या होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना, एसिड सॉल्ट बनेगा तभी तो आप रिएक्शन बना सकते हो ना। स्टूडेंट गलती क्या कर देता है, इसका वेट ले लेता है, जबकि ऐसा वेट नहीं लेना है, वेट किसका लेना है, इसी का लेना है बेटा। क्लियर बेटा, स्क्रीन शॉट लिया आप लोगों ने, प्लीज रिप्लाई करें बेटा, कोई डाउट हो जरूर पूछे बेटा प्लीज। चलिए ओके गुड, तो इस तरह से जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए हैं बेटा आपको, वो सारे के सारे फॉर्मूले आपको बेटा लर्न होने चाहिए, ठीक है। अब जो टॉपिक हम देखो स्टार्ट करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट और क्या चीज इक्विवेलेंस, मैं चाहता हूँ इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका टाइम भी हो गया बेटा, अभी कोई डाउट हो तो पूछ रहे बेटा, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक को हम अलग से बिल्कुल, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट खत्म हो गया है, अब नया टॉपिक रहेगा हमारा इक्विवेलेंस, क्योंकि इस पर भी आपका जनवरी अटेम्प्ट में IIT JEE में क्वेश्चन पूछा गया था, तो बताऊंगा मैं आपको कैसे पूछा जाता है, और रिडॉक्स में भी इसका यूज किया जाएगा, और आगे के किसी भी चैप्टर में यहाँ पर इसका यूज किया जा सकता है। थैंक यू बेटा, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई केमिस्ट्री चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉर मोर अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन, थैंक यू।